Hello blissers and welcome to my channel. So आपने इससे पहले वाली जो क्लिप देखी होगी that was of my breakfast. उसके बाद मेरा आज एग्जाम था जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम था मेड कैम का. सो वो हो गया. उसके बाद शाम को मैं बाहर गई थी एंड ऑल्सो आई रिसीव दिस पार्सल टूडे फ्रॉम Amazon. सो इसके अंदर मेरे कोलेबरेशन प्रोडक्ट्स है विच आई विल बी शोइंग यू गाइज राइट नाउ. बाय द वे दिस इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर एंड ये बहुत अच्छा स्टोर है. आई विल बी मेंशनिंग देम राइट हियर. इसके अंदर आपको बहुत सारी लाइक स्किन केयर से लेके हेयर केयर से लेके बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीजें मिल जाएगी. सो डू चेक देम आउट ऑल्सो. आज मुझे ये जो पार्सल में रिसीव हुआ आई विल बी शोइंग यू दैट. और मुझे कल और एक पार्सल आने वाला है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी. सो फर्स्टली आई हैव गॉट सम रोजमेरी लीव्स, ड्राइड रोजमेरी लीव्स. इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं और ऑल्सो दिस वन इज एन एडिबल वन. सो इसको हम लाइक रोस्टेड पोटेटो ये सब पे भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो भी यूज एज अ हेयर स्प्रे. इसको आप बॉइल कर लो उसके बाद बॉटल में डाल के लाइक एज अ हेयर स्प्रे यूज करो. ओवरनाइट रखने के बाद सुबह वॉश कर लो. यू विल सी रिजल्ट अगर आप इसको कंटिन्यूसली वन मंथ के लिए यूज करो तो. आई ऑलरेडी हैव अ गुड वॉल्यूम ऑफ हेयर लेकिन स्टिल मेरे जो बालों की ग्रोथ है लाइक मुझे लेंथ चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस. और इसके दो पैक्स हैं मेरे पास यहाँ पे. नेक्स्ट अप वी हैव दिस स्टीविया लीव्स का बॉक्सेस. दिस इज इन द कैन वाले फॉर्म में है ये. दीज आर द स्टीविया लीव्स यूज एज अ टी. जो लोगों को लाइक शुगर का प्रॉब्लम होता है वो लोग लाइक ऑब्वियसली शुगर नहीं खा सकते बट दे कैन कंज्यूम स्टीविया लीव्स क्योंकि ये स्वीट होती है टेस्ट में और इसको लाइक इसका कोई हार्मफुल वो भी नहीं होता क्योंकि जो शुगर होती है वो शुगर केन से बनती है एंड दीज आर द नेचुरल लीव्स. सो इसके वजह से इसका कोई इतना हार्म नहीं होता है. सो ये मैंने ऐसे ही अपने पापा को ट्राई आउट करने के लिए मंगाई थी. नेक्स्ट अप वी हैव दिस बिग पैकेट. इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल पाउडर्स है जिसको आप फेस मास्क में यूज कर सकते हो, फेस पैक्स बनाने में यूज कर सकते हो, इवन यू कैन यूज देम फॉर योर हेयर मास्क ऑल्सो. और ये प्रोबेबली 350 या उसके अंडर में ही कुछ है और इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है. आई शो यू गाइस वन बाय वन. सो फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास मुल्तानी मिट्टी पाउडर. ये पूरा रिफाइंड लाइक पाउडर टाइप में है. नेक्स्ट अप वी हैव दिस रोज पेटल पाउडर. इसको भी हम फेस पैक बनाने में यूज कर सकते हैं. उसके बाद वी हैव ऑरेंज पील पाउडर एंड ऑरेंज हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. वी हैव नीम पाउडर. जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए ये बेस्ट है. दे कैन यूज इट एंड नीम के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. उसके बाद वी हैव गॉट सम तुलसी पाउडर. इसको भी हम आई गेस फेस पे लगा सकते हैं. यहाँ पे लिखा है कि दिस कैन ऑल्सो बी यूज ऑन योर फेस, योर स्किन एंड ऑल्सो ऑन योर हेयर एज वेल. सो दिस इज इट. अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा पाउडर कैसे लगाते तो उसके लिए पीछे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव दिस मिंट पाउडर. जिन लोगों को नहीं पता मिंट इज ऑल्सो गुड फॉर योर फेस एंड योर स्किन एज वेल. सो इसमें भी पीछे इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि इसको हम कैसे यूज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव एलोवेरा पाउडर. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एलोवेरा जेल लगाना पसंद नहीं होता. यू कैन ट्राई दिस पाउडर फॉर्म ऑल्सो. इसको हेयर मास्क में भी यूज कर सकते हैं. द लास्ट इज दिस टर्मरिक पाउडर विच इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन एंड दिस इज कस्तूरी टर्मरिक पाउडर. और मैं घर पे मम्मी से ये रोस्ट करवा के लगाती हूँ क्योंकि मैंने एक रील पे वीडियो देखा था कि ऐसा रोस्टेड टर्मरिक से हमारी टैनिंग कम होती है. सो इसलिए मैं ये मम्मी से रोस्ट करवा देती हूँ. उसके बाद ये है चंदन पाउडर. दिस इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन. चंदन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए. इसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीन पैकेट्स है. ये भी इन्हीं के स्टोर के बट दे आर सम डिफरेंट थिंग्स. लाइक यहाँ पे जो मुल्तानी मिट्टी पाउडर है ये एकदम सॉलिड पाउडर है. लाइक सॉलिड रॉक फॉर्म है. इसको हम लोगों को खुद से तोड़ के लाइक पूरा रिफाइन ग्राइंड सब करना पड़ेगा. तो ये मैं मम्मी से घर पर करवाऊंगी. उसके बाद वी हैव दिस एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर. इसको भी हम फेस मास्क बनाएंगे उसमें यूज करेंगे. देन वी हैव दिस कैलोनाइन क्ले पाउडर. ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और क्ले जो होता है वो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उन जर्म्स जो भी होते हैं वो निकालता है. तो फिर दिस इज बेस्ट. विल ऑल्सो मैंशन द स्टोर राइट हियर. आप उनको इंस्टाग्राम पे एक बार चेकआउट कीजिए. उनके पास यही नहीं बहुत सारे कलेक्शन है. उनके पास टी का भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन है जो कि आपको कल के वीडियो में दिख जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वाला पार्ट एंड स्टे ट्यून्ड. पहले आम
भव्या के घर से आए हैं। वहाँ पे वैभवी अपना लिख रही है, क्या लिख रही है, जर्नल। रिद्धि मैगी खाने में बिजी है, अभी कुछ और भी करेगी। और ये हमारी मम्मी हमारे लिए आम काट रही है। हनी यहाँ पे लिख रही है वट एवर। और मेरी भी सारी की सारी जर्नल इनकम्प्लीट है, तो मैं भी अभी लिखने बैठूंगी, बट पहले हम पेट पूजा करेंगे। ये स्नैप के लिए रखे हुए आम, ये हमारे सीजन के पहले आम। मैंने कल बोला था, कल मैंने फिर एक जो अनबॉक्सिंग की थी, ये सेम ब्रांड्स हैं दोनों पार्सल्स, सो इन दोनों को भी ओपन करके देखते हैं। दिस इज देयर बटरफ्लाई पील फ्लावर टी, जो कि मुझे ट्राई करनी थी। सो यस, ये वो वाले फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाई पीज होती है ना, यहाँ पे मैं उसकी फोटो डाल दूंगी। सो ये उसकी एक टी है। ऐसे मेरे पास दो पैक्स हैं। नेक्स्ट अप वी हैव दिस वन। पैक ऑफ फाइव, इसके अंदर फाइव प्रोडक्ट्स है जो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट अप वी हैव दिस हिबिस्कस पाउडर, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आई विल मेक अ हेयर मास्क फ्रॉम दिस, और उसका वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करूंगी, सो डू चेक दैट आउट। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, बिकॉज ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, ये सारे मेरे कोलैबोरेशन से आए हुए हैं, सो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट। फर्स्ट इज दिस वन। नेक्स्ट अप वी हैव ब्रिंगराज पाउडर। ये सारी चीजें ना पाउडर्ड फॉर्म में रहती है, तो हेयर मास्क ये सब के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है लगाने। फिर उसके बाद वी हैव आंवला पाउडर, जो कि अपने हेयर से लेके फेस के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद वी हैव दिस रीठा पाउडर। रीठा को बहुत सारे लोग ना नॉर्मल ऐसे शैम्पू टाइप में भी यूज करते हैं, बट उसका पाउडर्ड फॉर्म ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं हॉस्टेलाइट हूँ, तो मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, सो उसके लिए बेस्ट है। लास्टली वी हैव दिस शिकाकाई पाउडर, ये भी पाउडर फॉर्म में हम इसका हेयर मास्क बनाएंगे। सो ये थे मेरे आज के पार्सल्स, और मेरे पास थोड़े बहुत कोलैबोरेशंस और है फिलहाल, बट वो सारे अभी तक पार्सल आना बाकी है। एंड आई एम हैविंग माई एग्जाम्स राइट नाउ, इसके वजह से कल छुट्टी है, रामनवमी है, उसका वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी, सो वो अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी। और अभी हमें लगी है भूख, तो हम बनाएंगे भेल, जो कि हमारे लिए बनाएगी निशा। और ये वैभवी में खाने में आगे रहते, बनाना हमको नहीं आता, पर हम बर्तन धो देते हैं, हम अच्छे बच्चे। काटने भी नहीं आते क्योंकि हमारी चाकू भी नहीं चलती। दिखाओ मेरी चाकू, ये मेरी चाकू है, और इसकी धार किधर है किसी को नहीं पता, ये क्या कहीं से भी कटता है इससे। पापा चाकू है, तो मैं जा रही हूँ अभी कपड़े धोने, उसके बाद नहाने पहले, फिर कपड़े नहीं, पहले कपड़े धोएंगे फिर नहाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे भेल। भेल बाय निशा, भव्या, रिद्धि, वैभवी ने थोड़ी कुछ क्या कुछ नहीं कर, मिर्ची और नींबू धो के लाई कि नहीं लाई, तो ठीक है, और मैं बर्तन धोऊंगी। किसी को जरूरत हो नहीं, मैं किसी के घर के बर्तन नहीं धोऊंगी, सिर्फ अपने।